बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सर क्रिकेट न्यूज़ आज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें कि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, एशिया कप के मैच इस तरफ जारी हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच खेला जाना है वो 10 तारीख को है। तो 10 तारीख वाले मैच में बारिश का बहुत ज़्यादा आने का इम्कान है, बहुत ज़्यादा होगी, तो देखते हैं। अहम मैच है, सारी दुनिया की निगाहें सिर्फ इस मैच पर रहती हैं, पाकिस्तान और इंडिया वाले पर। तो इस वक्त एक और खुशखबरी ये है आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान जो इंडिया का मैच है वो अगर उस दिन बारिश आ गई तो दूसरे दिन मैच खेला जाएगा। अगर मैच जारी है तो बारिश आ चुकी है, बारिश आ रही है, उस दिन वो मैच नहीं होता तो वहीं से दूसरे दिन वहीं से मैच ये शुरू किया जाएगा, यहाँ पर वो ख़त्म किया गया था। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का ये टक्कर का मैच होता है, एक दूसरे के साथ लड़ाई ऐसी होती है जैसे जंग छिड़ गई हो। तो हमारे पाकिस्तानी भी और इंडिया वाले भी वो ये चाहते हैं कि हमारी टीम, पाकिस्तानी कहते हैं हमारी टीम जीते, इंडिया वाले कहते हैं हमारी टीम जीते। तो मेरे जहन मुताबिक जो मेरी राय है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मैच पाकिस्तान विन करेगा, वो इस तरह से कि पाकिस्तान दुनिया की वन नंबर टीम है और इस वक्त एशिया कप में भी बहुत अच्छा खेल रही है। हर टीम की निगाहें इसी पाकिस्तान की टीम पर है कि ये पाकिस्तान की टीम में बहुत अच्छे तब्दीलियां की गई, बहुत अच्छा बदलाव आया है और बाबर आजम हमारे पाकिस्तान के वन नंबर, दुनिया के वन नंबर खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी और बहुत तगड़ी बॉलिंग है। वो इस तरह से हारिस रऊफ, शनशाह अफरीदी, नसीम शाह, ये हमारे पास ये बॉलर हैं, ये बाबर आजम इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच विन कर जाएगा। तो मोहम्मद यूनुस मुंडे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।